गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे सुबह के 9 और मैं सुबह एक बार 6 बजे और सोकर उठी थी जब मेरा बेटा कॉलेज जा रहा था और मैंने उसका लंच वगैरह बना कर दिया था सुबह उठकर। लेकिन क्या था, रात में मैं बहुत लेट हो गई थी सोकर उठने में क्योंकि मेरे हस्बैंड जागरण में चले गए थे, नवरात्र चले तो जागरण था तो वहाँ चले गए थे, वहाँ से वो लेट आए और इस वजह से मैं काफ़ी लेट हो गई सोने में। और जब मैं अपने टाइम से ज़्यादा लेट हो जाती हूँ सोने में तो मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो जाता है, तो सुबह मेरे से उठा ही नहीं गया, इस वजह से मैं जिम भी नहीं गई, बेटे का लंच वगैरह बनाकर मैं फिर से जाकर सो गई। अब मैं उठी हूँ सोकर, अब मैं जा रही हूँ किचन में अपना ब्रेकफास्ट बनाने अपने और हस्बैंड के लिए, भूख भी लग रही है, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं मेरे ब्रेकफास्ट में क्या होने वाला। फ्रेंड ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ मूंग की दाल के चीले। इसके लिए मैंने मूंग की दाल जब मैं सुबह 6 बजे उठी थी बेटे का लंच बनाने के लिए तभी भिगो दी थी। ब्रेकफास्ट में मैं ले रही हूँ एक मूंग की दाल का चीला, 1 कप चाय और साथ में ग्रीन चटनी। फ्रेंड्स आज शॉप के पास भंडारा था तो वहाँ से आई है खीर, साथ में आई है आलू की सब्जी, थोड़ी सी कद्दू की सब्जी आई है और साथ में आई है पूड़ियाँ। पूड़ियाँ मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं है पूड़ी खाने का। प्रसाद की थोड़ी सी खीर मैं ले लूँगी, प्रसाद तो थोड़ा सा हमें लेना ही है तो उसमें मैंने थोड़ी सी खीर निकाल ली है कटोरी में। मैंने खीर खा ली है लेकिन मैंने थोड़ी सी खाई है क्योंकि मीठा खाने से, मिठाई खाने से, कोई भी मिठाई खाती हूँ तो मेरा वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, फैट भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अभी वैसे भी मुझे वेट कम करना है दिवाली की वजह से तो इसलिए मैंने थोड़ी सी खीर खाई। और मुझे मिठाई खाने का इतना शौक़ है, अगर मिठाई मेरे सामने होती है ना तो मैं रुक नहीं पाती। मथुरा से बिलोंग करती हूँ, मथुरा के लोगों को मिठाई खाने का शौक़ होता ही है तो मुझे भी मिठाई खाने का बहुत शौक़ है। अभी मैं क्या करूँगी, जितनी भी खीर बची है ना वो किसी को दे दूँगी, नहीं तो मेरे सामने रहेगी तो मेरा मन नहीं मानेगा और मैं थोड़ा बहुत खाती रहूँगी। अब मैंने प्रसाद की तरह से थोड़ी सी खीर खा ली है और आप कभी भी देखना जो मिठाई होती है ना हमारे फैट को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है, तो जहाँ तक हो अगर आप अपना फैट कम करना चाहते हैं तो मिठाई पे और चीनी पे सब पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कम करने का एक ही फार्मूला है कि आप कैलोरीज इंटेक कम कीजिए और कैलोरीज वन ज़्यादा कीजिए। जब मैं जिम में एक्सरसाइज कर लेती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत खा भी लेती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते और अपना वेट आपको बहुत ज़्यादा कम करना है तो आपको कैलोरीज इंटेक भी और भी कम करना होगा, फिर तभी आप अपना वेट कम कर पाएंगे। एक यही लॉजिक होता है वेट कम करने का, एक बार आप कम कर लेंगे BMI के अंदर आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कुछ भी खाइए, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कीजिए, आपका वेट मेंटेन रहता है। तभी हम BMI में नहीं आते, BMI में आने के लिए बहुत मेहनत है, जब BMI में आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा मैंने पर्सनली देखा है। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं ऐसी थी, मैं बहुत मोटी थी और मेरा वेट कम भी नहीं होता था। इसका रीज़न है मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, इसी वजह से मेरा वेट कम नहीं होता था। फ्रेंड्स चलिए पहले मैं अब चाय बना लाती हूँ, चाय का टाइम हो गया मेरा, 4 बज गए, फिर आपसे बात करूँगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी ने ये हॉस्टल से ये काजू की बर्फ़ी भेजी है। क्या रीज़न है उसने जो काजू की बर्फ़ी भेजी है, इसका रीज़न है कि मेरे बेटे ने CFA का लेवल फर्स्ट क्लियर कर लिया, वो भी एक ही बार में। बहुत खुशी होती है अपने बच्चों को सक्सेस देखकर, होते हुए देखकर। पहले मैं भगवान जी को प्रसाद लगा देती हूँ, फिर अभी आपसे बात करूँगी। चलिए फिर सबसे पहले भगवान का प्रसाद लगा देते हैं, भगवान सबकी रक्षा करें, सबकी फैमिली पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब मैं सबसे पहले अपने बेटे का मुंह मीठा करा देती हूँ, उसने अभी तक मिठाई नहीं खाई थी, वो काम करने बैठ गया था आके। लंच में मैं ले रही हूँ एक रोटी और जो भंडारे की आलू की सब्जी आई थी, थोड़ी सी काशीफल की सब्जी आई थी, वही ली है मैंने। मैंने डिनर वगैरह कर लिया है, मैं नॉर्मल डिनर कर रही हूँ, आपने देखा होगा ऐसे कोई डाइट पर नहीं हूँ और मेरा वेट भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ कल आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।